तूफानी शतक जड़ते ही रोहित शर्मा ने अपने दुश्मनों के मुंह पर जड़ दिया जोरदार थप्पड़। रोहित की ऐतिहासिक पारी पर क्या बोले क्रिकेट के भगवान। रोहित ने तोड़ दिया धोनी का महारिकॉर्ड। बीसीसीआई ने भी रोहित शर्मा को किया सलाम। ताली बजाने पर मजबूर हो गए विराट कोहली। चलते मैच में अंपायर से क्यों भिड़ गए थे रोहित शर्मा। रिंकू ने रोहित को लेकर कह दी ऐसी बात जिसे सुनने के बाद रिंकू के सम्मान में झुक गया पूरा हिंदुस्तान। अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा लगातार दो बार बिना खाता खोले आउट हो गए थे तो पूरे सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के हजारों दुश्मनों ने रोहित की खूब आलोचना करी थी। हर कोई रोहित शर्मा के खिलाफ जहरीले बयान दे रहा था। कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने तो रोहित शर्मा को T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की सलाह देने लगे थे। पूरा क्रिकेट जगत रोहित शर्मा को T20 क्रिकेट का सबसे फ्लॉप बल्लेबाज बताने लगा था। कोहली और रोहित के फैंस में भी खूब जुबानी जंग देखने को मिली थी। जो न्यूज़ चैनल वाले आज टीवी पे बैठकर रोहित शर्मा के तूफानी शतक पर रोहित की खूब तारीफें कर रहे हैं, रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज बता रहे हैं। सुपर ओवर में रोहित द्वारा किए गए शानदार बल्लेबाजी की तारीफें किए जा रहे हैं। यही टीवी मीडिया वाले जब रोहित शर्मा पिछले मैच में पहली ही गेंद पर 0 रन पर आउट हो गए थे तो रोहित शर्मा की खूब आलोचना कर रहे थे। कोहली और रोहित को लेकर डिबेट करने लगे थे, मगर रोहित हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा अपने बल्ले से अपने सभी आलोचकों को करारा जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा पूरे क्रिकेट जगत में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए कभी नहीं खेलते हैं। रोहित शर्मा पहली ही गेंद से छक्के चौके लगाने के लिए पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 मैच में रोहित शर्मा का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जिसे देखने के बाद पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया है। 22 रन पर ही हिंदुस्तान के 4 विकेट गिर गए थे। कोहली, जायसवाल दुबे और संजू सैमसन ने टीम इंडिया को पूरी तरह से धोखा दे दिया था। ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान इस मैच में शर्मनाक तरीके से हार जाएगी कोहली के घर में, लेकिन रोहित शर्मा एक तरफ से चट्टान बनकर खड़े हो गए थे और रिंकू सिंह के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने खूब रनों की बारिश करी थी। इस सांसें रोक देने वाले मैच में रोहित शर्मा ने सिर्फ 69 गेंदों पर 121 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली थी। इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से 8 लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिले थे और इसी के साथ साथ रोहित शर्मा ने अपने T20 करियर में 5वां शतक भी जड़ दिया था। उसके रोहित के साथ साथ रिंकू सिंह ने भी इस मैच में सिर्फ 39 गेंदों का सामना करते 69 रनों की तूफानी पारी खेली थी। दोस्तों, रोहित शर्मा ने धोनी के कौन से महारिकॉर्ड को मिट्टी में मिला दिया है, हम उस पर भी आएंगे, मगर उसके पहले रोहित शर्मा और अंपायर के बीच मजेदार बहस के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, रोहित शर्मा को उनके मजाकिया लहजे के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है और बुधवार को बेंगलुरु में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे T20 मैच के दौरान उनका यही अंदाज देखने को मिला। मुकाबले के दौरान ऑनफील्ड अंपायर वीरेंद्र शर्मा के साथ उनकी बातचीत वायरल हो गई है। मैच के दूसरे ओवर में उमरजई की एक गेंद रोहित के बल्ले के अंदरूनी किनारे को छूकर उनके पैड से टकराई और फाइन लेग में चली गई। हालांकि अंपायर ने लेग बाई का इशारा किया, तब रोहित को शायद इसका पता नहीं चला था। मैच जैसे ही तीसरे ओवर में पहुंचा तो रोहित को दिखा कि उनके स्कोर के आगे 0 लिखा हुआ है। इस पर भारतीय कप्तान अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत अंपायर वीरेंद्र शर्मा से कहा कि हे वीरू, क्या आपने पहली गेंद थाई पैड के रूप में दी? गेंद स्पष्ट रूप से बल्ले को छू गई थी। मैं पहले ही 2 बार 0 पर आउट हो चुका हूँ, रोहित स्टंप माइक पर यह कहते हुए सुने गए। इसके बाद वह ऐसा कहकर हंसने लगे। अब बात करते हैं रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी के कौन से महारिकॉर्ड को मिट्टी में मिला दिया है। दोस्तों, रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम 54वीं बार मैच खेलने उतरी थी, उसे 42वीं जीत हासिल हुई। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी टीम इंडिया ने 42 मैच जीते थे। धोनी का बात करें तो उन्होंने 72 मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली थी। इस दौरान भारत को 42 मुकाबलों में जीत मिली थी। हालांकि रोहित शर्मा को उनकी बराबरी करने के लिए अफगानिस्तान टीम के खिलाफ सभी मैच जीतने थे और ऐसा ही हुआ। रोहित शर्मा अगर T20 विश्व कप में कप्तानी करते हैं तो धोनी से काफी आगे निकल सकते हैं। खैर, आप लोगों की क्या राय है? क्या धोनी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे रोहित शर्मा? क्या रोहित शर्मा T20 के वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा।